बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली, ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया, उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उससे पहले हम जो अपना लास्ट डे से प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और कल के लेक्चर में पढ़ा था इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कौन से रूल्स होते हैं जो कि असाइन किए गए हैं केमिस्ट के थ्रू कि आपने ये रूल्स अप्लाई करने हैं किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड, किसी भी आयन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करते हुए। इस लेक्चर को भी हम दो पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ रूल्स और उनकी एक एक एग्जाम्पल, और कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो कि मोस्ट कॉमनली पेपर्स में भी आई हुई हैं, ताकि हमारी एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाए। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर आज का टॉपिक। ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि किसी भी एटम, आयन या कंपाउंड को असाइन किया जाता है। कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, एटम के ऊपर भी आ सकता है, किसी आयन के ऊपर भी आ सकता है और किसी कंपाउंड के ऊपर भी आ सकता है। और जब इनके ऊपर स्पेसिफिकली कोई नंबर आए तो उनको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। आपकी बुक पे जो डेफिनेशन लिखी है उसके मुताबिक वो डेफिनेशन बताते हैं, अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स एन अपेरेंट चार्ज विच एन एटम ऑफ एन एलिमेंट वुड हैव इन अ कंपाउंड और अ आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन है। मीन सिंपल सी बात, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन यही है कि कोई भी चार्ज हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3 एनी नंबर। तो कोई भी एटम के ऊपर, आयन के ऊपर या कंपाउंड के ऊपर कोई भी नंबर होगा तो हम उसको कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ये होल नंबर में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रैक्शन में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि कॉम्बिनेशन किस तरह हुआ हुआ है, कंपाउंड्स किस तरह बने हुए हैं, आयन्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं और एलिमेंट कौन कौन सा है, ठीक है। और आज हम ये देखेंगे। अब हम पढ़ते हैं अपने रूल्स। ओके, नंबर फर्स्ट हमारे पास जो रूल है वो है ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। कहते हैं वो एलिमेंट्स जो कि फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। फ्री स्टेट से मुराद है कि वो अलोन प्रेजेंट होते हैं, किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, ये अकेले प्रेजेंट है, इनका भी किसी के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो अगर हम इनको अकेले ही इमेजिन करें कि ये अकेले प्रेजेंट है, तो इनका जो ऑक्सीजन नंबर होगा वो हमेशा होगा 0। और ये सिर्फ सिंगल नहीं हो सकते, जैसे नाइट्रोजन है N2, ये भी एक सिंगल ही मॉलिक्यूल है, इसका भी ऑक्सीजन नंबर 0 होगा। ऑक्सीजन देख लेते हैं O2, ये भी सिंगल है, इसका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा 0। फॉस्फोरस, P4 कहते हैं फॉस्फोरस को, ऐसे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट में फॉर्म करता है 0। तो जब भी कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है, किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं कर रहा होगा, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है। नंबर 2 पे आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयन। मोनो एटॉमिक आयन से मुराद क्या है बच्चों? मोनो मीन्स सिंगल और एटॉमिक मीन एटम। अब मोनोटॉमिक आयन से मुराद क्या है कि एक सिंगल एटम का आयन, मींस कि वो किसी कॉम्बिनेशन में ना प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल सोडियम पॉजिटिव, ये एक मोनोटॉमिक आयन है, ठीक है। मोनोटॉमिक आयन क्या कहते हैं इसको? एक सिंगल एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसको कहते हैं मोनोटॉमिक आयन। अब यहां पर देखो कि सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज है, मीन्स कि एक पॉजिटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो पॉजिटिव 1 है। जितना उसके ऊपर चार्ज होगा एक मोनोटॉमिक आयन के ऊपर, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा, पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो, +2 होगा तो +2 उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी,
प्लस थ्री होगा तो प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट होगी, माइनस थ्री होगा तो माइनस थ्री ऑक्सीजन स्टेट होगी। अब सोडियम के ऊपर सिर्फ प्लस है, सिंगल प्लस, वन ना भी लिखा हो तो इट्स ऑब्वियस कि उसके ऊपर वन ही है, पॉजिटिव से मुराद। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कैल्शियम की, कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है प्लस टू, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट है प्लस टू। जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उतनी ही इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी। बच्चों अब आप लोगों में से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टू चार्ज है तो इसको तो मोनोटोमिक आयन कहेंगे नहीं। बच्चों मोनोटोमिक से मुराद मैंने आपको पहले ही बताया है कि मोनोटोमिक से मुराद क्या है कि वो एक सिंगल एटम के ऊपर बिलोंग कर रहा हो, ये उसके ऊपर उसकी ऑक्सीजन नंबर है, इसको मोनोटोमिक से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। मोनोटोमिक से मुराद कैल्शियम अकेला है, कैल्शियम जिससे बाउंड नहीं है, अगर होता कैल्शियम ऑक्साइड फिर ये डायटोमिक होता, दो एटम्स हैं डिफरेंट है, ठीक है। अब ये सिंगल है तो सिंगल होगा तो इसको मोनोएटॉमिक कहेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर जो चार्ज होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। नंबर थर्ड पॉइंट पर आता है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, मींस पीरियोडिक टेबल के अंदर जिस तरह ग्रुप्स में एलिमेंट अरेंज है ना, हमें पता है कि ग्रुप्स में एलिमेंट जो होते हैं किस वजह से बेस होते हैं कि कितने उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब देखो ग्रुप वन और ग्रुप टू, हम इनकी एग्जांपल समझते हैं क्योंकि जो आगे नॉन मेटल्स हैं उनका थोड़ा सा केस डिफरेंट हो जाता है, वो उसको हम बाद में समझते हैं। अब ग्रुप वन के अंदर क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और ग्रुप टू के अंदर अल्कलाइनेट मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब यहां पर उन्होंने बात की है कि जिस ग्रुप के अंदर वो असाइन हो गए ना उतना ही उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होगा। एक्सेप्शन नो डाउट एग्जिस्ट करती है, वो हाइड्रोजन केस में करती है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन लिथियम के ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज होगा, मींस कि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वन ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। सोडियम इसके ऊपर भी पॉजिटिव वन होगा। अब ग्रुप टू के एलिमेंट्स देखो, अल्कलाइनेट मेटल, बेरिलियम के ऊपर होगा प्लस टू, मैग्नीशियम के ऊपर होगा प्लस टू, कैल्शियम के ऊपर होगा प्लस टू, भी पीछे हमने कैल्शियम ऑक्साइड की एग्जाम्पल भी देखी थी, कैल्शियम के ऊपर प्लस टू चार्ज था। जो ग्रुप होगा एलिमेंट्स का उसके ऊपर वही चार्ज होगा जिस ग्रुप में वो प्रेजेंट है। ग्रुप वन के अंदर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव वन, ग्रुप टू के अंदर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव टू, ठीक है, ये फर्स्ट टू ग्रुप्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक्सेप्शन नो डाउट एग्जिस्ट करता है, जैसे हाइड्रोजन केस में एक्सेप्शन पड़ता है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि कैसे एक्सेप्शन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा तो एक्सेप्शन देख लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन हमें पता है किस ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ग्रुप नंबर वन के ऊपर, तो कॉमनली इसको प्लस वन अपनी ऑक्सीजन स्टेट देनी चाहिए, लेकिन ये प्लस वन के साथ साथ नेगेटिव वन भी ऑक्सीजन स्टेट देता है, लेकिन कब देता है, जब ये कंबिनेशन करता है मेटल हाइड्राइड्स के साथ, मींस जब ये ग्रुप वन और ग्रुप टू के साथ कॉम्बिनेशन करता है, मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं वो ग्रुप वन और ग्रुप टू के है ना, नो डाउट ग्रुप 13 के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स जो नीचे की तरफ है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के नीचे की तरफ जो एलिमेंट्स हैं मेटल्स हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन जब भी इसने मेटल हाइड्राइड के साथ कॉम्बिनेशन करना है, इसकी जो वैलेंसी होगी, सॉरी इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो नेगेटिव वन हो जाएगी। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल में हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड। अब सोडियम जो है वो हमारे पास क्या है, सोडियम हमारे पास एक अल्कली मेटल है और हाइड्रोजन इसके साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, ठीक है। जब इसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो हमने पढ़ा है, ये आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए, जैसे ही हाइड्रोजन है कोई अल्कली मेटल के साथ कॉम्बिनेशन किया तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी माइनस वन। ये हम कल इंशाल्लाह देखेंगे कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। अब पॉजिटिव वन होगी है सोडियम के ऊपर और नेगेटिव वन होगी है हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये मेटल हाइड्राइड के साथ जब भी कॉम्बिनेशन करेगा तो इसके ऊपर जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो नेगेटिव वन होगी। और ये न्यूट्रल कैसे बना है बच्चों, न्यूट्रल का भी कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देती हूँ कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी जो ऑक्सीजन स्टेट होती है या ऑक्सीजन नंबर होता है वो इक्वल होता है, मींस पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन, ये दोनों आप एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा वो क्या होगा, वो एक हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। सोडियम हाइड्राइड का केस यस है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सोडियम के ऊपर क्या वैलेंसी होती है, ग्रुप वन का एलिमेंट है पॉजिटिव वन। अब हमें पता है ऑटोमेटिकली जब ये हाइड्रोजन बाउंड कर रहा है अल्कली मेटल के साथ तो इसके ऊपर नेगेटिव वन की वैलेंसी हो जानी है, ये दोनों कट के और सोडियम हाइड्राइड हमारे पास एक अल्कली मेटल बन गया। अब बच्चों हमने ग्रुप वन और ग्रुप टू के बारे में तो पढ़ लिया, मींस कि ग्रुप थ्री के अंदर भी यही प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लस थ्री के ऊपर चार्ज शो करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपकमिंग ग्रुप्स है ना, ग्रुप 15, 16, 17, इनके ऊपर ट्रेंड ऑपोजिट चल जाता है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं करते जिनके इतने आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
अब ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जब ये ग्रुप 15, 16, 17 की तरफ आ जाते हैं तो जितनी इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, जितनी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी होती है उनके ऊपर इनका ऑक्सीजन स्टेट जो होता है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होता है 17। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 2, 8 और 7। इसके आउटरमोस्ट शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके आउटरमोस्ट शेल में हमें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी वो होगी -1, ये सिंपल क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, ये स्टेट किसके लिए है, ये ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 17 तक। अब इन जो ग्रुप्स में प्रेजेंट है एलिमेंट्स उनके अंदर भी एक्सेप्शन एग्जिस्ट कर रहा है, अल्कली मेटल्स का और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हमने एक्सेप्शन देख लिया है। अब जो ग्रुप 15 से लेकर 17 तक प्रेजेंट है इनके अंदर भी एक्सेप्शन कुछ एलिमेंट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें जो मोस्ट कॉमनली है वो हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो अपनी फ्री स्टेट के अंदर मींस जब अलोन होता है अपने एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है तब इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो होती है 0। अब ऑक्सीजन जो होती है अगर तो वो अपनी फ्री स्टेट में ना एग्जिस्ट करे मीन्स सिंगल एटम हो ऑक्सीजन का तब इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी -2, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी उतनी ही इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी। अगर हम बात करें पर ऑक्साइड्स की तो पर ऑक्साइड्स के अंदर जो ऑक्सीजन स्टेट होती है ऑक्सीजन की वो होती है -1। सुपर ऑक्साइड्स के अंदर इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है -1/2। मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन स्टेट फ्रैक्शन में भी हो सकती है। और ऑक्सीजन फ्लोराइड के अंदर इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है +2। ये एक्सेप्शन किसी और एलिमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते, जितने एक्सेप्शन जो हैं वो ऑक्सीजन केस में एग्जिस्ट करते हैं। हम इंशाल्लाह कल देखेंगे कैसे इसको हमने फाइंड किया, अभी तो मैं सिर्फ आपको एक एक एग्जाम्पल बता रही हूँ और बता रही हूँ कैसे इसको करना है कि क्या इसके रूल्स हैं। कल इंशाल्लाह हम सारी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो परऑक्साइड में इसकी होती है -1, सुपरऑक्साइड में -1/2 और ऑक्सीजन फ्लोराइड के अंदर +2। अब अगर हमें हैलोजन्स की बात करें, हैलोजन्स की ऑक्सीजन स्टेट भी बच्चों ऐसी होगी जैसे मैंने आपको अभी क्लोरीन की बताई है, तो सबकी ऐसे ही होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब की जो ऑक्सीजन स्टेट है बच्चों वो -1 ही है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में हमें इतने ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, -1 मींस कि हमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इनको देना होता है, ठीक है, ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। तो इन सब की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है मींस ग्रुप 17 की हैलोजन्स की वो क्या होती है, वो -1 होती है। अब जो लास्ट टू पॉइंट्स है ना हमारे पास बच्चों वो तो कैलकुलेशन वाले ही हैं, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल बता देती हूँ उनका करने का प्रोसीजर, हम वो कर लेते हैं ताकि हमें रूल्स हमें अच्छी तरह समझ आ जाएं, लेकिन कल हम प्रॉपर इसका तरीका देखेंगे। एक रूल में कहते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कंपाउंड्स का, मीन्स जब कंपाउंड होते हैं मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा 0 होगा। सम ऑफ एलिमेंट्स का जो ऑक्सीजन नंबर होगा वो 0 होगा। नो डाउट जो एलिमेंट्स उनके अंदर प्रेजेंट है उनका तो ऑक्सीजन नंबर होगा, ठीक है, वो तो डिफरेंट होगा, हमें पता है वो तो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर हम प्योरली कंपाउंड की बात करें कि उन सबको मिला के जो उसका सम होगा वो 0 के ही बराबर आना चाहिए, अगर तो आपका एक कंपाउंड जो है उसका 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो आपका ऑक्सीजन नंबर जो है वो रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो सबसे पहले ही देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो इट्स डेफिनेट कि एक ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये तो हमें एक ट्रिक पर चल गया, मींस कि जो चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होगा वही कार्बन के ऊपर होगा, जो कार्बन के ऊपर है वही ऑक्सीजन के ऊपर है, ऑपोजिट हो सकता है। अब हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होता है ना उसके ऊपर जनरल स्टेट्स के ऊपर -2 चार्ज होता है, ये हमें पता है, कार्बन का हमें नहीं पता। सपोज हमें कार्बन का नहीं याद है कि कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है, हमें ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट याद है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है न्यूट्रल स्टेट्स के अंदर, मींस कि जब वो एक एलिमेंटल फॉर्म में कंबाइन कर रहा होता है तो उसका ऊपर -2 होता है। तो हमें पता है कि एक चीज़ तो पता चल गई कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के ऊपर है -2, और ऑब्वियसली अब जब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो कार्बन के ऊपर तो +2 होना चाहिए ना, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं और हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ जाए। तो एक कंपाउंड का जो ऑक्सीजन नंबर होता है वो किसके इक्वल आ गया, वो तो 0 के इक्वल आ गया, मींस कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म होना चाहिए H2SO4, ठीक है, ये भी एक कंपाउंड है। अब बच्चों देखो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, यहां पर हम बारी बारी एक एक देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन, तो बच्चों आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर
जनरल स्टेट के ऊपर जब वो किसी मेटल हाइड्राइड के साथ कंबाइन नहीं करता तो उसके ऊपर क्या वैलेंसी होती है, उसका ऑक्सीजन स्टेट होता है 1। तो हाइड्रोजन सल्फर के साथ अटैच है, लेकिन सल्फर तो एक नॉन मेटल है, हमने पढ़ा ही नहीं है कि नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज होगी। नो, नॉट एट ऑल। इसके ऊपर इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो पॉजिटिव 1 ही रहेगी। मींस उसके पास अभी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। जब उसके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका मतलब है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। प्लस सल्फर के ऊपर क्या ऑक्सीजन स्टेट है, सल्फर जो होता है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो भी चेंज करती है सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीजन। जिस तरह ऑक्सीजन के ऊपर सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन फ्लोराइड की तरह चेंज कर रही है, सेम सल्फर का भी ये केस होता है। अब अगर आपको सल्फर की ऑक्सीजन नहीं ना पता कि सल्फर की ऑक्सीजन क्या है, तो पहले आप हाइड्रोजन की फाइंड कर लो, उसके बाद ऑक्सीजन की फाइंड कर लो, मीन्स कंबाइन ही हम कल इंशाल्लाह देखेंगे, उसके बाद सल्फर की फाइंड कर लो। अब मुझे पता है कि सल्फर की इस स्टेट के अंदर +6 होती है, और ऑक्सीजन की क्या होती है, ऑक्सीजन की तो बच्चों आपको पता है कि ऑक्सीजन की नॉर्मल स्टेट के अंदर -2 होती है, ना ये पर ऑक्साइड बना रहा है, ना सुपर ऑक्साइड बना रहा है, ना ही ऑक्सीजन फ्लोराइड बना रहा है जो इसकी चेंज हो। तो -2 जो होती है वो इसकी जनरली होती है, -2 और 4 मतलब कि इसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो 4। अब जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो इसका सम क्या आएगा, +2 +6 और ये -8। तो 6 + 2 8 - 8 = 0। तो सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर क्या ऑक्सीजन स्टेट होती है, ये एक कंपाउंड है और इसके ऊपर ऑक्सीजन स्टेट होती है वो 0 होती है। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है ना बच्चों, वो एक पिछले कॉन्सेप्ट से मिलता है, मोनोएटॉमिक आयन से। हमें पढ़ा कि मोनोएटॉमिक आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम का पढ़ा था, पॉजिटिव था तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव है। अब अगर आ जाए हमारे पास पॉलीएटॉमिक, तो सेम कॉन्सेप्ट, जितना उस पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर चार्ज होगा उतनी ही उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं SO4 -2, ये एक हमारे पास एक पॉलीएटॉमिक आयन है। अब वो कहते हैं -2 इसके ऊपर चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी बच्चों -2 ही है। जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उतनी उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी। सल्फर, मैंने अभी आपको बताया कि सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +6, ऑक्सीजन की -2 और 4 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, तो 4। अब इन सब का सम करो तो +6 + 6 और 4 × 2 = -8। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या -2 हमारे पास इसके ऊपर वैलेंसी आ गई नहीं सेम ऑक्सीजन स्टेट। तो जो पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर चार्ज होगा वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीजन स्टेट। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको सारे रूल्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैंने इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया कि एक दिन हम रूल करेंगे ताकि आपके ऊपर बर्डन बिल्कुल भी मत हो। तो रूल्स हमने आज पढ़ ली हैं। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग कल इसको रूल्स को अच्छी तरह समझ के आएंगे, पढ़ के आएंगे, ताकि जब मैं एक न्यूमेरिकल्स या कोई एग्जाम्पल सॉल्व करवा रही हूँ तो आप मुझसे पहले वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी मानिला।